हेलो दोस्तों, क्या अभी तक आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है? तो जल्दी से कर ले दोस्तों, वरना आपका पैन कार्ड हो जाएगा बंद। इसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2023 थी, बट अभी अभी न्यू अपडेट आया है कि इसकी डेट 30 जून 2023 तक कर दी गई है। बट आपको डिले नहीं करना है, मैं इस वीडियो में फुल पेमेंट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहे एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए वीडियो में जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने गूगल पे जाएं और वहाँ आपको टाइप करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये इनकम टैक्स का ऑफिशियल साइट है, तो आपको पैन और आधार लिंक करने के लिए आपको इस पर ही जाना पड़ेगा और कहीं से भी लिंक होने का ऑप्शन नहीं है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टाइप करने के बाद आपको इंटर कर लेना है। मैं जैसे जैसे आपको बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपके अपने मोबाइल पे भी करना है, मोबाइल पे सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टाइप करते देखिए यहाँ पर ऑप्शन आने लगा होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जहाँ आपको एरो का मार्क दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इनकम टैक्स का ऑफिशियल पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। देखिए ऊपर आपको नोटिफिकेशन भी आ रहा है, लिंक योर पैन विद आधार, ठीक है। 31 मार्च के बाद आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा, जिससे आपके बैंक अकाउंट में भी आपका असर दिखेगा, आप पैसा नहीं निकाल सकते हो, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। इसलिए ये करना बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ एक लिंक आधार का ऑप्शन दिख रहा होगा आपके सामने, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने पैन और आधार नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको अपना यहाँ पैन नंबर और आपका अपना आधार नंबर जिसको लिंक करना है डालकर यहाँ वैलिडेट के नीचे ऑप्शन आ रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ये कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पेमेंट करना है, तो आपको कंटिन्यू टू पे में क्लिक कर देना है। अभी थोड़ा साइट स्लो चल रहा है क्योंकि अभी बहुत सारे लोग लिंक कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं यहाँ पैन नंबर और कंफर्म पैन नंबर का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको यहाँ अपना पैन नंबर टाइप करके लिख देना है, ठीक है। पैन नंबर टाइप करने के बाद आपको यहाँ फिर से अपना पैन नंबर कंफर्म यहाँ टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ एक मोबाइल नंबर टाइप करना है। ये मोबाइल नंबर आप कोई सा भी डाल सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। तो आप एक कोई सा भी मोबाइल नंबर यहाँ डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा उस नंबर पे, तो आपको उस ओटीपी को यहाँ फिल कर लेना है। और फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देखिए आपको यहाँ आपके पैन पर जो नाम है वो यहाँ शो करेगा, उस पर आपको कंटिन्यू कर देना है। अब आप इस पेज पे आ जाओगे ई पे टैक्स वाले, ठीक है। तो आपको देखो इनकम टैक्स सबसे पहला पेज दिख रहा होगा, उस पर आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको असेसमेंट ईयर यहाँ का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको असेसमेंट ईयर 2023-24 लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको टाइप ऑफ पेमेंट है, तो यहाँ एक ऑप्शन में आपको अदर रिसिप्ट लेना है, ठीक है। अदर रिसिप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने एक 1000 का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ गया, यहाँ 1000 रुपया ऑटोमेटिक आपका फिल आ जाएगा, ठीक है। इस पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट का एक पेज आ जाएगा, जिसमें आप नेट बैंकिंग के थ्रू डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरे पास नेट बैंकिंग है, तो मैं अपने नेट बैंकिंग से पेमेंट कर लेता हूँ। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सब बैंक के नाम है, तो मैं अपने नेट बैंकिंग के थ्रू कंटिन्यू सेलेक्ट करके बैंक और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पे नाउ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ 1000 का दिख रहा है आपको, ठीक है, नेट पेमेंट। यहाँ पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करते ही टर्म एंड कंडीशन का मैं आपको एग्री करके
यहाँ नीचे स्लाइड करके नीचे आना है, यहाँ आई एग्री पे क्लिक करके आपको सबमिट टू बैंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको एक क्या है, आपका नेट बैंकिंग का पेज खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर नीचे का एक ऑप्शन दिख रहा है, ईमेल आईडी, ये दोनों ऑप्शनल है, आपको अगर डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डालने का मन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ अपने मोबाइल नंबर फिर भी डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद देखिए नीचे कैप्चा का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, कैप्चा का ऑप्शन आ रहा है, उसमें कैप्चा को आपको फिल कर लेना है। जैसे कैप्चा दिया हुआ है, फिल करने के बाद आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका जो नेट बैंकिंग का साइट है उस पर आपको आईडी पासवर्ड मांगेगा और साइन इन कर लेना है, ठीक है। साइन इन करते ही यहाँ देखिए आपका अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ दिख रहा है। अब डेबिट अकाउंट पे आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब पर्पस में आपको अगर कुछ लिखना है लिख सकते हैं, ऑप्शनल है, तो मैं यहाँ फिलहाल इनकम टैक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। आपको नहीं लिखने का मन है तो बिल्कुल मत लिखिए, कोई ऑप्शन कोई ज़रूरी ही नहीं है। लिखने के बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म फिर एक बार आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके ट्रांजेक्शन पासवर्ड, जो आपका नेट बैंकिंग का ट्रांजेक्शन पासवर्ड है, उसको क्लिक करना है। आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, उसको क्लिक करने के बाद आपको कन्फर्म कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिख रहा है दिस चलान पेमेंट इज सक्सेसफुल, आपका चलान का 1000 का पेमेंट हो चुका है। अब आपके सामने देखिए उसके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है तो मेरा चलान डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा 1000 का पेमेंट हो गया है। अब आपको क्या करना है, 4 to 5 days के बाद, ठीक है, आपको फिर से आपको होम पे जाना है। जैसे मैंने आपको लिंक आधार का ऑप्शन दिखाया था, सेम उसी लिंक आधार पे जाना है आपको। लिंक आधार पे जाने के बाद आपको फिर से पैन नंबर आधार नंबर डालना है। जैसा कि मैंने देखिए लिंक आधार का ऑप्शन आ गया, पैन नंबर आधार नंबर डाला और उसके सामने वैलिडेट का ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देना है। 4 to 5 days के बाद, आपको तुरंत नहीं करना है। जैसे आप 4 to 5 days के बाद करोगे तो देखिए आपके सामने दिखेगा आपका पेमेंट अपडेटेड हो चुका है। अब आपको यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपका नेम एज पर आधार यहाँ ऑप्शन मांग रहा है, तो आपको अपना आधार नंबर अपना नाम टाइप करना है एज पर आधार। तो यहाँ नाम टाइप कर लेता हूँ, ये प्रोसेस आपको 4 to 5 days के बाद करना है दोस्तों, तुरंत नहीं करना है, तुरंत आपका पेमेंट अपडेट नहीं होगा, ठीक है। फिर मोबाइल नंबर आपको यहाँ एक टाइप कर लेना है, यहाँ कोई भी मोबाइल नंबर एक रहना चाहिए, ठीक है, तो एक मोबाइल नंबर यहाँ टाइप कर ले। टाइप करने के बाद आपको लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लिंक आधार पर करोगे क्लिक तो आपको एक OTP फिर से आएगा, उस OTP को यहाँ फिल कर लेना है, फिल करके वैलिडेट कर देना है। जैसे आप वैलिडेट पर क्लिक करोगे देखिए आपके सामने एक मैसेज आने लग गया कि योर पेमेंट इज आधार लिंकिंग सक्सेसफुल हो चुका है, अब आपका पैन और आधार लिंक हो चुका है। तो अब आपका यहाँ से पूरा प्रोसेस यही है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।